मधुबनी शहर में सड़क जाम से निजात के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार, ट्रैफिक निरीक्षक हरेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट के मुन्ना ठाकुर सहित कई मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक जलाधारी चौक से स्टेशन चौक तक बड़ी वाहन के प्रवेश पर रोक रहेगी, जबकि मधुबनी से दरभंगा की ओर जाने वाली बसों के रूट में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। समाग लाइव के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार प्रत्येक मंगलवार को बैठक कर ली है, जिसमें शहर में जाम की समस्या और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रयास किया गया है। उसी के आलोक में बैठक की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 2 जगह ट्राली लगेगी, जिससे एक जलधारी चौक पर एक स्टेशन पर सकता है। जो भी दरभंगा से गाड़ियाँ आएंगी शहर की तरफ, बस वो जलधारी चौक से डाइवर्ट होकर राठी होते हुए 13 नंबर गुमटी से बस स्टैंड जाएंगे, और जो पटना की तरफ जाने वाली बसें हैं वो शहर से हुए स्टेशन होते हुए यथावत जाएंगी। इसके साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी मधुबनी अपने स्तर से माइकिंग कराएंगे। जो पूर्व में अतिक्रमण रोड किनारे पथ विक्रेताओं को हटाए थे और पुनः वो अपना अतिक्रमण जमा लिए हैं, ऐसे विक्रेताओं का जल्द ही माइकिंग कराकर उनका सामान सीज किया जाएगा, इस स्तर पर पहुंची जाएगी।